भाजपा और जदयू के बीच जुबानी जंग इतनी तेज हो गई है कि अब पुराने पुराने जो यादें हैं और खास तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ बोले गए शब्दों का प्रयोग अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो शब्द कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोग कर रहे थे। अब संजय जायसवाल ने जब मोर्चा संभाला है और ललन सिंह ने जब अब जवाब दिया है तो संजय जायसवाल की तरफ से भी जवाब आना लाजमी था। एक बार फिर से ललन सिंह पर हमला बोला गया है संजय जायसवाल के द्वारा और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से किनारे लगा दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की बातों का उतना तवज्जो जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का नेता भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में संजय जायसवाल का एक पोस्ट है जिससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले उन लोगों पर तंज कसा है। तंज कसते हुए स्पष्ट किया है कि नीतीश की कुर्सी पर जो नजर है वो किनकी है। स्पष्ट तौर पे संजय जायसवाल का ये पोस्ट है, उन्होंने लिखा है 1967 से बिहार में राजनीति में सदैव कुछ ऐसे महानुभाव रहे हैं जिसके पास सटकर आगे बढ़ते हैं उसको अगले दिन से ही काटना शुरू कर देते हैं और जो इसको भगाता है उसको अगले दिन से ही दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ललन सिंह पर निशाना साधा गया हो या संजय जायसवाल जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कहीं ना कहीं ललन सिंह पर फिट बैठता है। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार की कुर्सी पर एक बार फिर से नजर की बात गड़ा दी है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जरिए संजय जायसवाल ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं वो लगातार नीतीश कुमार के पांव खींचने की कोशिश करते हैं। और संजय जायसवाल ने इस बात का भी जिक्र किया है जो ललन सिंह पहले नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया करते थे। ललन सिंह के बयान आपको याद होंगे, इस प्रकार से नीतीश कुमार के पेट में दांत और कई सारी मुहावरे के साथ नीतीश कुमार पर हमला बोला करते थे जब वो कांग्रेस में थे। अब एक बार फिर से संजय जायसवाल स्पष्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार के आसपास के जो लोग हैं उनकी चाहत क्या है, वो क्या चाहते हैं। खास तौर पे समझे तो नीतीश की कुर्सी पर नजर भारतीय जनता पार्टी की भी है और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की भी है। ऐसे में अब नीतीश और भाजपा की लड़ाई में नीतीश अप्रत्यक्ष हो चुके हैं और प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं ललन सिंह और संजय जायसवाल की लड़ाई इस बार होने वाली है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।